हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये है सेवइयों के कप बनाए हैं मैंने, और उसके अंदर मैंने रबड़ी डाली है होममेड बनाकर। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैंने 100 ग्राम्स सेवइयाँ ले ली थी। ये मेरे पास बारीक वाली सेवइयाँ हैं, आप चाहें तो वो जो मोटी वाली सेवइयाँ आ जाती हैं ना, आप वो भी ले सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मैंने तोड़ लिया था, छोटा छोटा कट कर लिया था, हाथ से ही मैंने इनको तोड़ा है और पैन के अंदर डाल के। तो अब मैं इसके अंदर देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं, इवन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, भुनेंगे इसको। तो 1 मिनट के लिए मैं इसको ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून्स पानी के ऐड करेंगे, 2 to 3 टेबल स्पून्स, ताकि जो सेवइयाँ हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाएं, क्योंकि फ्राई करने के बाद वो और हार्ड हो जाती हैं। ये पानी डालने की वजह से ये थोड़ी सी नरम हो जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा नरम हो गई तो फिर कप्स की शेप नहीं आएगी, तो ये क्रिस्पी और क्रंची अच्छी लगती है। इसको जो जब हम खाते हैं ना, तो अंदर रबड़ी कितनी क्रीमी और सॉफ्ट सी होती है, और बाहर से ये क्रिस्पी और क्रंची टेस्ट आता है। अब मैं कंडेंस मिल्क इसके अंदर डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून 2 और 3 टेबल स्पून्स, मीन्स 3-4 टेबल स्पून, जितना आपका दिल करे आप डाल सकते हैं। ये एक तो ये करेगा, इसको मीठा करेगा, इसके अंदर थोड़ी स्वीटनेस आएगी ये कप्स जो बनेंगे इसके, और दूसरा जो है इसके अंदर इसको स्टिक करेगा आपस में ना, जो इसी की वजह से जो है ये आपस में जुड़ेंगी और कप की शेप लेंगी। कोई भी मफिन ट्रे ले लिया मैंने, आप चाहें तो कोई घर के अंदर से कोई बाउल ले सकती हैं, और उसके अंदर जो है ये आप सेवइयाँ डालती जाएँ और इस तरह से सेट कर लें। ये क्लिंग फिल है मैंने जो इसके ऊपर रखा है, ताकि ये नीचे मोल्ड के साथ चिपक ना जाए, और फिर वो अगर चिपक गई तो फिर वो निकालते हुए टूटेंगी, कप टूट जाएगा तो वो शेप सही नहीं आएगी। तो क्लिंग फिल की मदद से ये होगा कि ईजीली वो बाहर निकल आएंगी। मैंने ये इन चारों को फिल किया था मोल्ड के अंदर, इसको सेवइयाँ से मैंने डाल के, और ये एक मैंने छोटा सा बाउल, छोटी सी छन्नी ले ली है, और आप भी ले सकते हैं घर के अंदर, इस तरह की छन्नियाँ होती हैं उसके अंदर भी सेट कर सकते हैं अगर वो मफिन ट्रे किसी के पास नहीं है। इसी तरह से इसके अंदर क्लिंग फिल लगाया है पहले मैंने। क्लिंग फिल लगाने के बाद ये जो शीट होती है पतली सी, पता ही होगा सबको, ये लगाने के बाद मैंने अब इसके अंदर जो है इसको शेप दिया है, पहले बेस में और फिर हाथों से साइड से इसकी बॉल्स बनाई हैं मैंने, और वो थोड़ी थिक होनी चाहिए, जितनी पतली होगी वो टूट भी सकती है। तो इसको जो है मैंने फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए ना। अब जो है मैं मिल्क ले रही हूँ, 3/4 कप मैंने मिल्क लिया है, मीन्स फुल कप नहीं था, थोड़ा कम लिया है। ये ड्राई मिल्क है, आप कोई भी ड्राई मिल्क ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, कार्डिमम, इलायची डाली है मैंने 2 तोड़ के, आप चाहें तो पाउडर यूज़ कर लें, 1 टेबल स्पून जो है आप इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। शुगर ऐड कर रही हूँ मैं, 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है, उससे ये है कि ये जो मैं रबड़ी अब बनाने लगी हूँ ये मीठी हो जाएगी। अच्छा, मैंने पहले 1 कप मिल्क डाला है, उसके बाद जब मैंने फ्रिज खोली तो मुझे याद आया कि मेरे पास तो क्रीम ही नहीं है। 1/2 कप इसके अंदर जब मलाई जानी थी, क्रीम या मलाई, अब वो नहीं थी, तो मैंने 1/2 कप जो है दूध और डाल दिया। इससे ये होगा कि मुझे थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आप मलाई डालेंगे या क्रीम डालेंगे तो उससे और क्रीमी टेक्सचर आएगा और जल्दी से ये कुक हो जाएगी। और क्योंकि मैंने क्रीम और मलाई नहीं डाली थी, इसलिए मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर ली है। ये ऑप्शनल है, अगर है तो डालें, नहीं है तो आप ना डालें। 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड किया है, जिसकी वजह से, इस कंडेंस मिल्क को ऐड करने की वजह से दूध का कलर चेंज होगा एक तो, और दूसरा ये है कि वो थिक होगा, थिक तो है वो कॉर्नफ्लोर से हो जाएगा। अच्छा, अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं ना डालना चाहते वो भी उमिट करते हैं, मत डालें, उसके बगैर भी ये बड़ी मज़ेदार सी गाढ़ी सी रबड़ी बन जाती है, फिर वो आपको दूध कम डालना पड़ेगा। दूध आप 1 कप से थोड़ा सा कम करें, और ये देखें इस तरह से थिक सी पक पक के जो है बन गई थी, तो मैंने उसको निकाल लिया है। इसके अंदर मैंने बादाम ऐड किए हैं, आप चाहें तो काजू पाउडर ऐड कर सकते हैं,
काजू पाउडर नहीं था मेरे पास इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, उससे भी थिक हो जाती है ये। तो ये थिक सी हो गई है, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। दोनों चीज़ों को फ्रिज में रखना है। ये देखें, ये फ्रिज के बाद मैंने अब इसको निकाला है और ये काफ़ी थिक और मज़ेदार सी, इतनी क्रीमी और इतनी टेस्टी थी ना, रबड़ी रेडी हो गई हमारी। अब मैं ये मोल्ड जो है अनमोल्ड कर रही हूँ इनको ऐसे। ये शेप कितनी खूबसूरत लग रही है। ये बिल्कुल टूटे नहीं, आप इसको फ्रिज में, ऊपर फ्रीज़र में नहीं रखना है इसको, वरना वो खाते हुए जो है ना कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाएंगे। इनको फ्रिज में नीचे रखना। और ये बहुत खूबसूरत सा डिज़र्ट लगता है, फ्रेंड्स आए हों उनके सामने या कोई गेस्ट आए हुए हैं आप उनके सामने ये एज अ स्वीट रख सकती हैं। बर्थडे पार्टीज़ होती हैं बच्चों की, ये उस पर आप सर्व कर सकती हैं, बच्चे बड़ा खुश होते हैं इस तरह की चीज़ें देख के। वो जो छन्नी वाला जो बाउल मैंने बनाया था वो थोड़ा बड़ा है, ये बाकी ये बाइट साइज़ है, इससे भी छोटे आप बना सकते, इससे छोटे क्या बनेंगे, मीन्स ये बाइट साइज़ है, एक बंदे के लिए एक काफ़ी होता है। तो ये बड़ा प्रेजेंटेबल लगता है अगर दावत के ऊपर आप इस तरह की रेसिपी रेडी करें तो। और होप सो कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये रबड़ी बहुत मज़े की बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरे फेसबुक आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। और बहुत शुक्रिया मुझे वॉच करने का, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।